हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारी समस्याएं अब की बार यूपी स्कॉलरशिप को लेकर आ रही हैं, और एक जो है नई समस्या आई है वो है 55% से कम मार्क्स वालों की, और इन लोगों की भर भर के कमेंट है हमारे जो है हर एक वीडियो के नीचे। तो मैंने सोचा कि सभी को रिप्लाई करने से बेहतर है, और कुछ भी करने से बेहतर, जो भी कहना है कुछ भी रिप्लाई करने से बेहतर तो ये है कि सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि इसमें सच्चाई क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि कुछ लोगों के 55% के मार्क्स जो है रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ लोगों के 55% से कम वाले को भी वेरीफाई हो गए हैं, ये भी मैसेज मेरे पास आए हैं। तो सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पहले काम ये करिए कि आप लोग मुझे कमेंट कर ये बताइए, या तो आप कमेंट करिए या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज भेजिए। लेकिन अगर आप नहीं इंस्टाग्राम पर जा रहे हो कोई बात नहीं, आप कमेंट करिए और कमेंट में लिखिए कि सर मेरा 55% से कम था और मेरा रिजेक्ट हो गया है और मैं इस कैटेगरी से हूं और ये कोर्स कर रहा हूं। आपको चार चीजें लिखनी है उसमें, आपका रिजेक्ट हुआ या नहीं लिखा है ये लिखना है, आपको किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ओबीसी एससी एसटी जनरल किससे बिलोंग करते हो ये लिखना है, और कौन सा कोर्स कर रहे हो, आप डीएलएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, ग्रेजुएशन में हो, इंटर में हो, हाई स्कूल में हो, किस में हो ये आपको लिखना है, ठीक है। रिजेक्ट हुआ है 55% से कम, किस कोर्स में हो, कौन सी कैटेगरी है, इतनी चीजें आपको लिखनी ताकि मुझे ये अंदाजा हो जाए कि किस कोर्स वालों का रिजेक्ट हो रहा है, किस कोर्स वालों का नहीं रिजेक्ट हो रहा है, क्या सभी का कैटेगरी का हो रहा है। तो ये आप कमेंट करिए, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ एससी वालों का हो रहा है, कुछ लोगों ने कहा एसटी वालों का हो रहा है, तो कम से कम एक इससे क्या होगा, एक सर्वे हो जाएगा, यानी ये तरीका आ जाएगा। और फिर जब मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा तो मैं बता दूंगा कि किसका कितना हुआ और क्या क्या चीजें इसमें दी गई है, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्लियर नहीं बता रहा। मैं कॉलेज गया था, कॉलेज में भी यही बताया गया कि नहीं ऐसा कोई चीज नहीं है, कोई 55% का रूल नहीं है। या समाज कल्याण विभाग में गया जो हमारे यहाँ पर है, तो वहां भी ये बताया गया कि नहीं कुछ लोग पता नहीं क्या, मतलब कोई क्लियर नहीं बता रहा। अगर मैं सही चीज बता दूं ना, ये जो सबसे सस्ते डाटा चल रहा है ना, कोई क्लियर चीजें नहीं बता रहे। अगर आप समाज कल्याण विभाग जा रहे हो तो कह रहे हैं कॉलेज की जिम्मेदारी बनती है, कोई भी अगर आप सस्पेंड लेकर जाते हो तो बताते हैं कॉलेज की जिम्मेदारी है, जब आप कॉलेज जाओगे तो बता रहे हैं समाज कल्याण के पास जाओ, मतलब पूरे बच्चे जो है दौड़ दौड़ के परेशान हुए जा रहे हैं कि क्या मेरा सस्पेक्ट सही होगा कि नहीं होगा। कहीं किसी का अटेंडेंस की प्रॉब्लम आ रही है, वो समाज कल्याण विभाग जा रहा है तो वो बता देते हैं ये कॉलेज की प्रॉब्लम है, कॉलेज के प्रॉब्लम कॉलेज के पास लेकर जाओ तो वो बता रहे हैं कि फॉरवर्ड कर दिया है, अब ये समाज कल्याण की जवाबदेही बनती है। तो कहीं ना कहीं जितने भी बच्चे हैं सब परेशान है। तो मैं आपसे एक थोड़ी सी हेल्प चाहता हूं कि जिनके भी 55% से कम है वो कमेंट में चार चीजें लिखें कि सर मेरा रिजेक्ट हुआ है या नहीं रिजेक्ट हुआ है, या मैं इस कैटेगरी से आता हूं और जो है मेरा ये कोर्स है, ये इतनी चीजें आपको नीचे लिखना है, सभी लोगों को लिखना है। या जिनका वेरीफाई हो गया 55% से नीचे था वो भी लिखे कि हाँ सर मेरा वेरीफाई हो गया है, जिनका हो गया उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका रिजेक्ट हुआ कम से कम ये जानकारी मिले कि हाँ क्या चीजें, ताकि और बच्चे जो है उनकी हेल्प हो सके और आप सभी का हेल्प हो सके। तो आप इसको जल्दी से आप टाइप करिए और बताइए कि क्या आपके पास समस्या है। इसीलिए मैं बहुत सोचा समझा कि कैसे मैं इसकी जो है कि किसका है और कैसे आपका हर एक चीज है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको पहले दे दीजिएगा, फिर अभी मैं पूरी वीडियो लेकर आऊंगा कि कैसी क्या क्या समस्याएं हैं, आप उसके लिए पैनिक बिल्कुल भी ना होइए। और आपके लिए मैं हर एक छोटी से बड़ी अपडेट लाता हूं और कैसे आपका सुधार हो सके इसके लिए मैं जो हूं पूरा जद्दोजहद कर रहा हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अभी तक नहीं किया, वैसे आप लोगों ने कर लिया होगा अगर आप इतने दिन से मुझे देख रहे हो, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, पहले एक बार अच्छे से सभी की वोटिंग हो जाए, बता दें कि मेरा क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है, उसके बाद ही मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तो जय हिंद जय भारत।